पढ़ेंगे आगे। बता दें आपको कि आप पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा ने कुलदीप बिश्नोई और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आदमपुर में आप पार्टी के अपना दमखम दिखाकर जीत हासिल करेगी और साथ ही आदमपुर से आपका प्रत्याशी बीजेपी को हराने का काम करेगा, जिसको लेकर हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार ने अनुराग ढांडा से विशेष बातचीत की। राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा लगातार आदमपुर में उपचुनाव को लेकर दौरे कर रहे हैं और इससे पहले केजरीवाल भगवंत मान की रैली हो चुकी है, मनीष सिसोदिया की रैली हो चुकी है और कई बड़े नेता अभी तक यहां शिरकत कर चुके हैं और उन साथ के साथ अनुराग ढांडा लगातार नेतृत्व कर रहे हैं। अभी चुनावों की घोषणा भी हो चुकी है, तो ऐसे में आज अनुराग जी से बात करेंगे कि आप पार्टी की क्या रणनीति रहेगी। तो अनुराग जी, आप पार्टी आगे कैसे चुनाव को हैंडल करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी तो पहले से तैयार थी चुनाव के लिए, ये तो अगर कोई भाग रहा था तो भारतीय जनता पार्टी भाग रही थी। अब क्या हुआ है कि अब ये 3 तारीख आ गई, ये 3 तारीख है, परमानेंट पूर्व विधायक का टैग मिल जाएगा इस दिन कुलदीप बिश्नोई जी को। इसके बाद उनका जो परिवारवाद जो चला आ रहा है, जो वो चौधरी भजन लाल जी ने अपने समय में अच्छे काम किए थे, लोग उसको बहुत चेरिश भी करते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन कोई सिर्फ इस बात पे वोट लेता रहे कि मेरे पिताजी ने अच्छा काम किया था इसलिए मुझे वोट दे, तो 24 साल में कुछ नहीं किया कुलदीप बिश्नोई जी ने, एक काम गिनवा दें कोई आदमपुर में जो किया हो। उसके बाद अब इनके बेटे आ गए भव्य बिश्नोई, सीधे विदेश से लैंड किए कुछ दिन पहले, विदेश से चुनाव लड़वाने के लिए लाए। मतलब कांग्रेस तो अभी तक क्या करती थी या दूसरी पार्टियां क्या करती थी कि कुलदीप बिश्नोई जी के खिलाफ बाहरी उम्मीदवार को लाती थी, कुछ 100 किलोमीटर से लेकर के आती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तो मतलब अति कर दी हर चीज की, वो विदेश से कैंडिडेट लेकर के आए। भव्य बिश्नोई ने सीधे लैंड किया यहाँ पे और कहा कि मैं विधायक बनूंगा आदमपुर से। तो ये स्थिति यहाँ पर है, आदमपुर के लोगों ने इस बार तय कर लिया है कि वो किसी दूसरे के बेटों को, दूसरे के बच्चों को बड़ा बनाने के लिए चुनाव नहीं जितवाएंगे, उनको वोट नहीं देंगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों को अमीर बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे, इस बार चुनाव में वोट देंगे। आपकी जो फाइट किस कैंडिडेट से होगी, बीजेपी से होगी, कांग्रेस से होगी, किससे होगी? देखिए, कांग्रेस तो कहीं 3 में ना 13 में, कांग्रेस कहीं गिनती में नहीं है और कांग्रेस इसलिए गिनती में नहीं है कि उनके अपने विधायकों से वो अपने राज्यसभा सांसद को नहीं जितवा पाते। कांग्रेस के किसी व्यक्ति को वोट देने का मतलब क्या है कि सीधे आपने बीजेपी को ही दे दो फिर, तो सीधे कांग्रेस को देने की क्या जरूरत है, क्योंकि बाद में वो टूट के चला ही जाना है बीजेपी में। गोवा में आपने उदाहरण देखा, 11 विधायक बनवाए थे, 8 चले गए भारतीय जनता पार्टी में। तो कांग्रेस तो 3 में 13 में कहीं नहीं, आप इलाके में जाके पूछ लो लोगों से, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, पार्टी में अंदरूनी झगड़े चलते रहते हैं, उनके पास कोई लीडर नहीं है आदमपुर का, हमेशा बाहर से लाके इंपोर्टेड कैंडिडेट दे देते हैं। और सीधा मुकाबला इस बात को लेकर के है कि परिवारवाद चलेगा आदमपुर में क्या, दोस्तवाद चलेगा आदमपुर में क्या, किसी व्यक्ति के 200 करोड़ रुपए का आईटी का केस सेटल करने की जिम्मेदारी लोगों की थोड़ी है, लोगों ने उनको इस बात के लिए थोड़ी चुना था कि हम आपको चुनते हैं, आप अपना केस सेटल करा लीजिए पार्टी बदल के। वो पार्टी क्यों बदल रहे हैं, वो पार्टी इसलिए बदल रहे हैं कि उनको 200 करोड़ का केस सेटल कराना है और हम इस बार चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें 26,000 सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं आदमपुर में, उनका भविष्य बनाना है, 26 लाख बच्चे पढ़ते हैं हरियाणा के स्कूलों में, उनका भविष्य बनाना है। तो ये इन दोनों धाराओं के बीच में लड़ाई है और सीधे तौर पे मुझे नजर आता है कि एक तरफ जनता खड़ी होगी आम आदमी पार्टी की तरफ और दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई और उनका परिवार खड़े होंगे, देखते हैं किसके वोट ज्यादा है। ये सर एक अंतिम सवाल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस चुनाव में अपना दमखम पूरा लगाएंगे, कैसे देखते? हुड्डा साहब में दमखम बचा कहाँ है जो वो लगाएंगे, मैं यही तो जानना चाहता हूँ। उनकी अपनी पार्टी में अंदरूनी लड़ाइयाँ इतनी हैं, अगर हुड्डा साहब में दमखम होता तो अपने 31 विधायकों का वोट नहीं दिलवा देते, अपना एक राज्यसभा सांसद नहीं बनवा लेते, विपक्ष की आवाज उठाता पार्लियामेंट में जाके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के से ना वो कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ कुछ बोलेंगे, ना वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ बोलेंगे, अंदरूनी सेटिंग है हुड्डा साहब की और भारतीय जनता पार्टी की, और ये किसी से छुपी नहीं है। पहले भारतीय जनता पार्टी बोलती थी ये केस है हुड्डा साहब के खिलाफ, ये केस है वो रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ, वहाँ जमीनों का मामला है, कोई केस नहीं निकला ना बाहर। जिसको जेल में डालना था तो चौटाला साहब को तुरंत जेल में डाल दिया था, हुड्डा साहब को क्यों जेल में नहीं डाला भाई जब इतने मामले थे? और सारी दुनिया को पता है, हरियाणा को पता है पूरे को कि किस तरीके से इन्होंने पैसे बनाए अपने कार्यकाल में। अगर भारतीय जनता पार्टी इनको जेल में नहीं डाल रही तो उसका कुछ कारण है, उसका कारण यही है कि इनकी अंदरूनी सेटिंग है। जिस दिन इनको जो मैं कह रहा हूँ ना कि पाला बदल लेंगे, जिस दिन हुड्डा साहब को, भारतीय जनता पार्टी को जिस दिन हुड्डा साहब पसंद आ जाएंगे उस दिन हुड्डा साहब अपनी पूरी टीम के साथ पाला बदल लेंगे, भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। तो इनका कोई दमखम नहीं है इनके अंदर जो बचा हो जो वो यहाँ लगा दें। जी, ये थे अनुराग ढांडा, इन्होंने यही बताया कि जो पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र हुड्डा है, खुद की इनकी पार्टी में फूट है और हमारी जो पार्टी है इसमें
हमारे पूरे देश के जो नेता हैं यहाँ पूरा दमखम लगाएंगे और हमारा कैंडिडेट यहाँ निश्चित तौर से जीत हासिल करेगा। प्रवीण कुमार, जनता टीवी, हिसार।